नमस्कार सभी को। आज मैं अगले जीवन सफलता सूत्र की चर्चा करने से पहले आप सभी पेरेंट्स यानी अभिभावक, स्टूडेंट्स, छात्रों और एस्पिरेंट्स आकांक्षियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश है बच्चों के ये सच्चे सपने। सबसे पहले अभिभावकों को यानी पेरेंट्स को, आप अपने बच्चों को सपने दिखाएं, उन्हें खुली आंखों से सपने देखने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अपने भविष्य की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्साहित अवश्य करें, उनसे चर्चा करें कि वे जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या हासिल करने के बाद उन्हें अपने जीवन में स्थायी खुशी मिलेगी। कृपया अपनी इच्छाएं उन पर कभी न थोपें। अपने पड़ोसियों को देखकर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने या उनके जैसे अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए न कहें। उन्हें अपना करियर चुनने की आज़ादी दें। उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के फायदे और नुकसान पर अनिवार्य रूप से चर्चा करें। उनके साथ अपने जीवन के अनुभव साझा करें, उन्हें सलाह दें और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य तय करने की खुली छूट जरूर दें। उन्हें आश्वस्त करें कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत होगी, आप हमेशा वहां मौजूद हैं। उनसे कहें, मैं हूं ना, आगे बढ़ो, चिंता की कोई बात नहीं, आगे बढ़ें, चिंता न करें। मैं यहाँ पर फिल्म पापा कहते हैं का गाना याद दिलाना चाहूँगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बच्चा कह रहा है मेरी मंजिल है कहाँ। पापा मम्मी न जाने मेरी मंजिल है कहाँ, इसलिए कृपया उसकी मंजिल, उसका जीवन का उद्देश्य जाने और उसके अनुसार उनका समर्थन करें। ठीक इसे तो है छात्रों से, प्रिय छात्रों और आकांक्षियों, अपने माता पिता, शिक्षकों और मेंटोर से चर्चा करें कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में क्या, कैसे, क्यों और कहां की बात अवश्य करें। उनके साथ अपनी रुचियों, जुनून, ताकत जो सामर्थ्य है आपकी, और कमजोरियों पर चर्चा करें और अपने लिए एक प्रासंगिक लक्ष्य निर्धारित करने या निर्णय लेने में उनकी मदद या सहायता अवश्य लें। ध्यान रखें, लक्ष्य आपके जुनून का होना चाहिए। मम्मी पापा से कहो मेरी मंजिल है यहाँ, उनको बताओ मेरे जीवन का लक्ष्य है यहाँ। इस चैनल जीवन सफलता सूत्र बाय जुगरान सर को भी देखें, जो आपको स्मार्ट लक्ष्य तय करने और उसे 100% हासिल करने में मदद कर सकता है। इस चैनल में मैं आप सभी के साथ टेस्टेड यानी परीक्षित एवं आजमाए हुए ट्राइड सफलता सूत्रों पर चर्चा कर रहा हूँ, तो इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखना न भूलें। यहाँ मैं स्मार्ट लक्ष्यों के 2 उदाहरण बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दें और मेरे पिछले वीडियो देखें और आगे आने वाले वीडियो को भी देखना न भूलें। पहला उदाहरण है गोल जो बच्चा बनाएगा, जो लक्ष्य रखेगा, जैसे पेरिस 2024 में फ्री स्टाइल महिला 57 kg ग्राम ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बनने के लिए। ये विशिष्ट होना चाहिए। कैसे विशिष्ट? कैसे? उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह समझा जा सकता है कि क्या किया जाएगा,
कौन और कब करेगा। ये माप्य भी है, उद्देश्य में शामिल है कि ओलंपिक पदक प्राप्त करना, इसकी अर्हता के लिए पदकों और कुश्ती प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों पर मापा जाएगा। प्राप्य, उद्देश्य यथार्थवादी है, प्रत्येक ओलंपिक में पदक खिलाड़ियों द्वारा जीते ही जाते हैं। प्रासंगिक, एक महिला पहलवान के लिए उद्देश्य समझ में आता है और प्रासंगिक भी है। समयबद्ध, समय सीमा स्पष्ट रूप से बताई गई है, यानी पेरिस 2024 ओलंपिक। दूसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर बनने के लिए विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें क्या, कब, कहां और कैसे शामिल है। मापने योग्य या माप्य, उद्देश्य में यह शामिल है कि विभिन्न शैक्षणिक स्तरों यानी स्नातक, पीजी, पीएचडी, नेट पर मापा जाएगा। सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रवेश, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर के लिए पदोन्नति। प्राप्य, उद्देश्य यथार्थवादी है, इंजीनियरिंग संस्थानों में ऐसा पद मिलता ही है, ऐसी पोस्ट मिलती ही है। प्रासंगिक, ऐसे व्यक्ति के लिए जो पढ़ाने का इरादा रखता है, उद्देश्य समझ में आता है, प्रासंगिक है। समयबद्ध, समय सीमा बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है, पीजी और नेट पीएचडी के बाद सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के बाद लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।